हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम सुष्मिता। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बहुत दिनों के बाद मिलना हो रहा है आप सबसे। सो आज हम लोग बात करेंगे 10-10 पोर्टल के बारे में, जो कि दो दिन बाद है। 10-10 पोर्टल जो कि बहुत ही अमेजिंग टाइम पे आ गिरा है, दैट इज नवरात्रि। ठीक है, उस दिन आपका आई थिंक सप्तमी खत्म होके अष्टमी का शुरुआत होने वाला है। तो सप्तमी और अष्टमी के बीच का वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी 10-10 पोर्टल के दिन आपको मिलेगा। ठीक है, एंड चाहे सप्तमी हो चाहे अष्टमी हो, देवी शक्ति की एनर्जी चरम सीमाओं पे है अभी, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। इस टाइम पे हर हीलिंग, हर मंत्रा, हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक 10 times ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट आपको दे सकता है। ठीक है, एंड उस दिन 10-10 पोर्टल साथ में नवरात्रि। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अमेजिंग एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैजिकल टाइम है। उस टाइम की जो एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जीज है, वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि उस टाइम पे आप सिंपली कुछ विजुलाइज भी करोगे, मैनिफेस्ट भी करोगे, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करके लाओगे। उस टाइम पे जिस चीज़ के ऊपर आपका फोकस जाएगा, वो चीज़ आप तक आ पहुँचेगी। इसीलिए उस टाइम पे आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे अपनी एनर्जी डालनी है, ना कि किसी नेगेटिव चीज़ के ऊपर। सो 10-10 पोर्टल के दिन करने के लिए मैं एक अमेजिंग सी टेक्निक आपके लिए लेके आई हूँ। आपकी जो भी XYZ विश है, जॉब मैनिफेस्ट करना है, रिलेशनशिप, अपने डिजायर पर्सन के साथ शादी, कोई पर्टिकुलर अमाउंट मैनिफेस्ट करना है, फोन मैनिफेस्ट करना है, कार मैनिफेस्ट करना है, एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए भी आप इस मंत्र को कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज देवी शक्ति की एनर्जी इस टाइम पे बहुत हाई है। इस टाइम पे अगर आप अपने फेमिनिन एनर्जी के ऊपर काम करोगे, इस टाइम पे अगर आप ब्यूटी के ऊपर काम करोगे, बहुत जल्दी काम करेगा। नेगेटिविटी रिमूव करना है तब भी आप इस टेक्निक को कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिविटी रिमूवल के लिए मैं ऑल्टरनेटिव दो टेक्निक्स आप लोगों को दे दूंगी। बाकी ये टेक्निक जो है वो आप किसी भी तरह के विश के लिए आप कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कोई ऐसा विश जिसको आप बहुत डेडिकेटेडली चाहते हो, जो कि बहुत बड़ी विश है, वही विश आप इस टाइम पे चूज करो, बिकॉज देवी माँ की एनर्जी बहुत हाई है, पोर्टल है। ठीक है, इसको आप कोई छोटी मोटी कॉल, मैसेज, ये सब मैनिफेस्ट करने में आप वेस्ट ना करो। हाँ, वो भी कर सकते हो सकता है किसी के लिए कॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं सजेस्ट कर रही हूँ अपने तरफ से कि आपको एक बड़ी विश हो तो उसको इस टाइम पे आप लो पिक करो एंड उसको फुलफिल करो। सो टेक्निक कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले अगर मैं दो तरीके के बोलूंगी आपको, अगर आपका कोई एक ही विश है कि एक ही बहुत इंपॉर्टेंट विश है वो फुलफिल हो जाए तो मेरी लाइफ सेट है, तो आपको एक विश लेनी है, उस विश से रिलेटेड आपने एक अफॉर्मेशन, एक लाइन बनानी है। ठीक है, जो भी आपका डिजायर है, ठीक है, सपोज आपका डिजायर कार है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरा डिजायर कार मिल चुका है। ठीक है, डिजायर पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, फाइनली वो पर्सन एंड मैं एक हैप्पी रिलेशनशिप में है। ठीक है, इस तरीके से आपने एक लाइन बनानी है अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। अब उस एक लाइन को आपको उस पेपर पे, येलो पेपर पे रेड इंक के साथ 10 बारी लिखना है कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू 10 बारी लिखना है। सबसे पहले ऊपर में आपको 10/10 बनानी है, नीचे ये लिखना है, नीचे अगेन 10/10 बनानी है। अब टाइम कब आपको ये टेक्निक करना है, रात को 10:10 में, 10:10 में स्टार्ट करना है। डेट भी है आपका 10, ठीक है, डेट भी 10 है, मंथ भी 10 है, सो 4-10 की एनर्जी है, 10-10-10-10, ओके। सो 10:10 में आपने ये स्टार्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको 10 बारी एक ही लाइन को लिखना है। ठीक है, याद हो गया आपको। अब आपको क्या करनी है, आपने वो लिख लिया है, ठीक है, 10 बार हो चुका है, उसको आपको पढ़ना है, धीरे धीरे एक एक लाइन को पढ़ना है, अपने एनर्जी डालनी है, आंखें बंद करनी है, विजुलाइज करनी है कि वो विश आप जी रहे हो, वो विश फुलफिल हो चुका है, डिजायर आपका कंप्लीट हो चुका है, वो चीज यूनिवर्स ने आपको दे दिया है, देवी माँ को, देवी माँ को थैंक यू बोलनी है कि वो चीज आपको मिल चुकी है। ठीक है, अपनी एनर्जी पुट करनी है उसमें। यहाँ पे एक और चीज आप कर सकते हो,
आंखें बंद करो, उस पेपर को अपने सामने रखो, ठीक है। जब आप आंखें बंद करोगे, विजुलाइज करो कि थर्ड आई से एक लाइट निकल के डायरेक्टली, थर्ड आई से एक लाइट निकल के डायरेक्टली उस पेपर के ऊपर गिर रहा है। एक लाइट को अपने विजुलाइज करना है, दैट मींस आप अपने एनर्जीज जितनी भी है, इंटेंशंस जितनी भी आपके सबकॉन्शियस ब्रेन तक वो चीज पहुंच रही है, वो एनर्जी उस पेपर तक पहुंच रही है। थर्ड आई से एक लाइट निकल के पेपर पे पहुंच रही है, ऐसा आपने विजुलाइज करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस पेपर को फोल्ड कर लेनी है एंड डेली रात को सोते टाइम आपको इसको लेके सोना है। कितना दिनों तक? टोटल 10 दिनों तक, ठीक है। यानी कि 10 तारीख को करोगे तो 20 तारीख तक आपने इसको करना है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज मैं कहूंगी कि हर रोज 10 तारीख से शुरू करके 20 तारीख तक 10:10 में आपको हर रोज उस पेपर को पढ़ना है। हर रोज आपको उसको पढ़ते टाइम अपनी इंटेंशन, अपने एनर्जी उसमें पुट करनी है, ठीक है। ये आपको 10 दिनों तक कंटिन्यू करना है 10:10 में, ठीक है। ये हो गया आपका पहला टेक्निक। दूसरा टेक्निक क्या है कि अगर आपकी मल्टीपल विशेष है तब 10 डिजायर ले सकते हो इस टाइम पे, ठीक है। आपने क्या करनी है, 10 डिजायर से रिलेटेड 10 अफॉर्मेशन बनानी है, एक एक बार उस पेपर पे लिखनी है। एक बार एक एक विश के लिए लिख लिया, दूसरा, सेकेंड, थर्ड, ऐसा करके 10 बार आपने 10 विश को लिख लिया। सेम 10:10 में लिखना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये चीज टाइम आपका लेगा, बिकॉज 10 विश है तो 10 विश को अलग अलग विजुलाइज भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा कि आपका हर एक विश फुलफिल हो चुका है। हर एक विश पे आपको एटलीस्ट 2-3 मिनट देना है विजुलाइज करने में, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा 10-15 मिनट लग जाएगा करने में। यही चीज आपको 10 दिनों तक करना है, हर रोज 10:10 में करना है। 10 विशेस को अलग अलग तरीके से विजुलाइज करना है कि 10 विश आपकी पूरी हो चुके हैं। यू आर हैप्पी, ग्रेटिट्यूड शो करना है, ठीक है। एंड हर रोज रात को उसको लेके पिलो के नीचे आपको सोना है। नाउ 10 दिन कंप्लीट हो चुका है, 20 तारीख है। 21 तारीख के दिन आपने उसको बर्न करना है, ठीक है। बर्न करके उसके एशेस को यूनिवर्स में ब्लो कर देनी है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। आपका टेक्निक खत्म। सो ये हो गया 10-10 पोर्टल का टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बोलूंगी, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप 10 विशेस ना लो, बट अगर पॉसिबल हो तो सिर्फ एक डिजायर के लिए करो, क्योंकि एक ही डिजायर लोगे उसी पे फुल फोकस एंड इंटेंशन 10 दिनों तक देते रहोगे तो बहुत जल्दी वो चीज मैनिफेस्ट होगा, कोई ऐसा चीज जो आपको डेस्परेटली चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, डेस्परेटली जो चीज चाहिए उसको जरूर चुनो, लेकिन टेक्निक को लेके डेस्परेट नहीं होना है। कब खत्म होगा या कब मिलेगा वो नहीं करना है। कभी कभी 10 दिन के अंदर भी मिल जाता है, कभी कभी 10 महीने भी लग सकते हैं, 10 हफ्ते भी लग सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी बिलीफ एंड आपकी एनर्जी, आपका इंटेंशन, ठीक है। सो इस टेक्निक को जरूर कीजिए, यूनिवर्स, देवी माँ आपकी जरूर मदद करेगी। सो मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे। लव यू ऑल, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि, थैंक यू।